हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज़ माइंड चैनल। आज से हम एक्समैन के मूवी सीरीज़ को शुरू करेंगे जिसमें टोटल 11 मूवीज़ है, पर अगर हम दो डेडपूल की मूवीज़ को भी ऐड करें तो ये 13 मूवीज़ की सीरीज़ बनेगी। इस मूवी सीरीज़ को हम जिस ऑर्डर में रिलीज़ हुई है उसी सिक्वेंस में एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहली मूवी है एक्समैन की, जो साल 2000 में रिलीज़ हुई थी। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे मूवीज माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली एक्समैन की मूवीज और बाकी के मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब शुरू करते हैं एक्समैन की पहली मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत में हमें पोलैंड का सीन दिखाया जाता है, जब जर्मन्स के लोग वर्ल्ड वॉर के कैदियों को जेल के अंदर डाल रहे थे। इन कैदियों में एक फैमिली भी थी जिसे जर्मन्स के लोग अलग कर देते हैं, जिसके वजह से एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। वो छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करता है, पर जर्मन्स के लोग उसे पकड़े हुए थे। बच्चा बहुत गुस्से में था, इसी वजह से बच्चे की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने माइंड से ही मेटल के गेट को मोड़ देता है। बच्चा और कुछ नुकसान कर पाता उससे पहले ही एक जर्मन गार्ड उसे बेहोश कर देता है, और यही बच्चा आगे जाके मूवी का मेन विलन बनने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ हमें एक छोटा सा परिवार दिखता है। इस परिवार की एक लड़की जिसका नाम मैरी था, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में थी। मैरी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों किस करते हैं, पर तभी उस लड़के की एनर्जी उसकी बॉडी से निकलने लगती है। ये सब मैरी के वजह से होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी एक पावर थी जो इंसान के अंदर से उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती थी। मैरी को अपनी ये पावर्स के बारे में आज ही पता चला है, क्योंकि उसकी ये पावर्स आज ही एक्टिवेट हुई है। ये सब लोग जिनकी पावर्स अचानक से एक्टिवेट हुई है, ये असल में म्यूटेशन की वजह से हुआ है। म्यूटेशन इंसान में जेनेटिक चेंजेस के वजह से होते हैं। इसके वजह से इंसान को एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है। जिन लोगों को म्यूटेशन हुआ है उन लोगों को म्यूटेंट्स बुलाया जाता है, और वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में भरे हुए हैं। इसी वजह से US गवर्नमेंट के लोग इन्हीं म्यूटेंट लोगों के बारे में बोलने के लिए मिले हुए हैं। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जिसका नाम सेनेटर केली था। वो म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट को शुरू करता है, जिसमें जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स में म्यूटेंट्स हैं उन सभी को गवर्नमेंट के सामने अपनी पावर्स को रजिस्टर करना होगा। सेनेटर केली ने ये डिसीजन लोगों के भले के लिए लिया था, क्योंकि म्यूटेंट्स के पास कुछ अजीब पावर्स भी हो सकती है जिसका यूज़ करके वो लोग क्राइम भी कर सकते हैं। इसी मीटिंग में दो म्यूटेंट्स भी मौजूद थे। पहले है प्रोफेसर जेवियर, जिन्हें हम प्रोफेसर एक्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है मैग्नेटो, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जब वो एक छोटा बच्चा था। प्रोफेसर एक्स लोगों के दिमाग में जाके उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, वही मैग्नेटो सारे मेटल्स के ऑब्जेक्ट को अपने पावर से हिला सकता है। मैग्नेटो को ये नया रूल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे गवर्नमेंट का गुलाम बनकर नहीं जीना था। मैग्नेटो कहता है कि उसके पास एक बड़ा प्लान है जिसका यूज़ करके वो एक बड़ा चेंज लाने वाला है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कनाडा में, जहाँ पर हमें वही मैरी नाम की लड़की दिखती है जो अपने घर से भागकर किसी से मिलने आई है। मैरी एक फाइट क्लब में पहुँचती है, जहाँ पर हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर दिखता है जो कि है वुल्वरिन। वुल्वरिन भी एक म्यूटेंट है, इसलिए वो आराम से हर एक फाइट जीतते जाता है। फाइट के बाद वुल्वरिन एक बार में जाता है, और यहाँ पर पीछे पीछे मैरी भी उसके साथ आती है। उस फाइट क्लब के ऑर्गेनाइजर को समझता है कि वुल्वरिन एक म्यूटेंट है, इसलिए वो सारे मैच जीतता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजर उससे अपने पैसे वापस मांगता है। यहाँ पर वुल्वरिन उसे डराने के लिए अपने क्लॉस को अपने हाथों से बाहर निकालता है, जो उसके फिंगर्स के बीच से निकलते हैं। वुल्वरिन इसके बाद अपने गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है, पर तभी उसे किसी के होने का सेंस होता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को चेक करता है। वहाँ पर मैरी थी जो चुपके से वुल्वरिन के साथ जा रही थी। मैरी भी एक म्यूटेंट है, इसलिए वो वुल्वरिन की हेल्प मांगने आई थी, पर वुल्वरिन उसे अपने साथ रखने के लिए मना करता है। वुल्वरिन इसके बाद अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है, पर बाद में अपनी गाड़ी को रोक कर मैरी को अंदर बुलाता है। मैरी यह अपना नाम रोग बताती है, जो उसने खुद का नया नाम रखा था, और आगे से हम भी इसे रोग ही बुलाएंगे। वुल्वरिन भी यह खुद का असली नाम बताता है, जो कि है लोगन। दोनों यहाँ अपनी पावर्स की बातें करते हुए आगे जाते हैं, और लोगन कहता है कि उसके बॉडी में मेटल के क्लॉज हैं
जो खतरा सेंस होने पर बाहर निकलते हैं, जिससे उसे हर बार दर्द होता है। रोगिया लोगन को सीट बेल्ट पहनने की सलाह देती है, पर लोगन उसकी बात नहीं सुनता और उसी पर गुस्सा होता है। पर तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिसके वजह से लोगन फ्रंट ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाता है। लोगन को फेस पर जगह जगह चोट लगी थी, पर रोग नोटिस करती है कि लोगन की चोट अपने आप ठीक होते जा रही है। इस सीन से हमें ये भी पता चलता है कि लोगन यानी कि वुल्वरिन के पास सेल्फ हीलिंग की पावर है, जिससे उसका हर एक घाव तुरंत ठीक हो जाता है। पर तभी लोगन की एक और एबिलिटी एक्टिवेट होती है और उसे किसी दूसरे म्यूटेंट के होने का सेंस होता है। तभी यहाँ पर सेबरटूथ नाम का एक शक्तिशाली म्यूटेंट लोगन पर अटैक करता है। अटैक की वजह से गाड़ी में आग लग जाती है और अंदर रोग फंसी हुई थी। लोगन भी बेहोश हो गया था, पर तभी उसे बचाने दूसरे म्यूटेंट आते हैं और उस शक्तिशाली सेबरटूथ म्यूटेंट को भगा देते हैं। कहानी में आगे जाने से पहले हम बुरे और अच्छे म्यूटेंट्स के टीम और उनके मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अच्छे म्यूटेंट्स के टीम को लीड करते हैं प्रोफेसर एक्स, जिनकी टीम में साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, डॉक्टर जीन है, और इसी टीम में आगे जाके लोगन भी जुड़ने वाला है। दूसरे बुरे म्यूटेंट्स के टीम को लीड करता है मैग्नीटो, जिसके टीम में है सेबरटूथ, जो कि एक शक्तिशाली म्यूटेंट है, और फिर टॉट नाम का एक म्यूटेंट, और लास्ट में है मिस्टिक। इन सबकी पावर्स हम कहानी में आगे समझेंगे। इसके बाद सीन बेहोश लोगन पर जाता है, जिसे अच्छे म्यूटेंट ने बचा लिया था। लोगन की पहली मुलाकात डॉक्टर जीन नाम के फीमेल डॉक्टर से होती है, जो उसका इलाज कर रही थी। यहाँ पर लोगन पहली बार प्रोफेसर एक्स से मिलता है, जो कहते हैं कि तुम इस वक्त म्यूटेंट स्कूल नाम के जगह पर हो। यहाँ पर और दो लोग आते हैं जिन्होंने लोगन की जान बचाई थी, जो कि है साइक्लॉप्स और स्टॉर्म। साइक्लॉप्स की आंखों से लेजर निकलती है, और वही दूसरी तरफ स्टॉर्म क्लाइमेट और बिजली को कंट्रोल कर सकती है। प्रोफेसर एक्स लोगन को मैग्नीटो और उसके बड़े प्लान्स के बारे में बताते हैं, जिसे पूरा करने के लिए शायद उसे लोगन की ज़रूरत है, इसलिए उसने अपने आदमी को लोगन को पकड़ने भेजा था। लोगन इस पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से निकलने वाला था, पर प्रोफेसर एक्स उसे रोकते हैं। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और उसी का पता लगाने के लिए तुम 15 साल यहाँ से वहाँ भटक रहे हो। असल में लोगन को खुद के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी फैमिली या उसका पास्ट लाइफ उसे कुछ भी याद नहीं था। इसलिए प्रोफेसर उसे ऑफर देते हैं कि अगर तुमने मेरा साथ मैग्नेटो को रोकने में दिया तो मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में हेल्प कर सकता हूँ। लोगन इसके लिए मान जाता है और फिर बाद में इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे म्यूटेंट्स बच्चे दिखते हैं, जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं, और वो सारे अपने घर से भागे हुए थे। पूरा स्कूल घूमने के बाद प्रोफेसर एक्स उसे मेन जगह लेके जाते हैं, जहाँ से प्रोफेसर एक्स सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि वो और मैग्नीटो पुराने साथी हैं और उन दोनों ने मिलकर इस जगह को बनाया था, पर बाद में मैग्नीटो को ह्यूमंस में खतरा नज़र आया। इसके बाद मैग्नीटो ने खुद के बुरे म्यूटेंट्स की टीम बनाई और वो अपना कोई बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, जिसके हेल्प के लिए उसे लोगन की ज़रूरत है। ये सब सुन के लोगन प्रोफेसर एक्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमें सेनेटर कैली दिखते हैं, जिन्होंने म्यूटेंट के रजिस्ट्रेशन का रूल बनाया था। सेनेटर अपने हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा था, पर तभी उसे पता चलता है कि वो म्यूटेंट के द्वारा किडनैप हो गया है। ये सब मिस्टिक नाम के एक म्यूटेंट ने किया था, जो कि मैग्नेटो के लिए काम करती है, और वो अपना रूप बदल कर किसी की भी तरह दिख सकती है। सेनेटर को किडनैप करके मैग्नेटो के सामने लाया जाता है, और मैग्नेटो अपनी एक बड़ी मशीन को रिवील करता है, जो उसके बड़े प्लान का हिस्सा थी। मैग्नेटो उस मशीन में जाके उसे एक्टिवेट करता है, जिसमें से बड़े अमाउंट में एनर्जी पल्स निकलते हैं, जो कि सेनेटर के बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए मैग्नेटो अपनी एनर्जी का यूज़ करता है, जिसके अंत में वो मरने के हालत तक पहुँच जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इतने ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी वो मशीन यूज़ करती है। इस मशीन की एनर्जी पल्सेस की वजह से सेनेटर के अंदर अब म्यूटेशन हो गया है, जिसके वजह से वो खुद अब म्यूटेंट बन चुका है। सेनेटर को इसके बाद जेल में बंद रखते हैं, पर तभी वो नोटिस करता है कि म्यूटेशन की वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की पावर आ गई है। सेनेटर आसानी से उस जेल से निकल जाता है, पर उसी वक्त मैग्नेटो भी अपने टीम मेंबर सेबरटूथ के साथ वहाँ पर आता है। वो लोग देखते हैं कि
सेनेटर अपनी पावर्स का यूज करके उस जेल से भाग गया है। दूसरे सीन में हमें सेनेटर एक समंदर से सेफली बाहर निकलते हुए दिखता है, जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की पावर को यूज करके आसानी से स्विम करके किनारे तक पहुंच गया था। मैग्नेटो का यही प्लान था कि ऐसे ही बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर को ही अगर हम म्यूटेंट बना दें तो वो लोग म्यूटेंट के रजिस्ट्रेशन वाला रूल नहीं बनाएंगे। दूसरे सीन में हमें लोगन दिखाया जाता है, जिसका चेकअप डॉक्टर जीन कर रही थी। सारे स्कैन्स के बाद डॉक्टर जीन बताती है कि लोगन के शरीर में किसी बड़े एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ मेटल्स के क्लॉज को फिट किया गया है। लोगन पहले से ही म्यूटेंट है, इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट में जिंदा बच गया और अब उसकी एज भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी मेमोरीज भी भूल चुका है। इसके बाद लोगन जब सो रहा था तब उसे सपने में अपनी मेमोरीज दिखने लगती है, जिसमें उसके साथ ये बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा था। लोगन नींद में चिल्लाने लगता है, इसलिए रोग उसे देखने आती है। पर तभी लोगन झटके से उठकर बिना देखे अपने क्लॉस रोग के अंदर घुसा देता है। रोग इससे मर सकती थी, इसलिए वो अपने पावर्स का यूज करती है और लोगन को टच करके उसकी हीलिंग एबिलिटी को अपने अंदर ट्रांसफर करती है, जिससे वो हील हो जाती है। वही दूसरी ओर लोगन की एनर्जी जाने की वजह से लोगन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसके सामने प्रोफेसर एक्स होते हैं, जो रोग के पावर्स के बारे में बताते हैं कि वो दूसरे म्यूटेंट के पावर्स को अपने अंदर लेके उसे यूज़ कर सकती है। ये सबसे रोग बहुत उदास थी क्योंकि उसने ऑलमोस्ट लोगन को मार ही दिया था। तभी उसे मिलने उसका एक दोस्त आता है, जो उसे इस स्कूल से निकल जाने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर सबके लिए खतरा हो, इसलिए तुम इस स्कूल से निकल कर अपनी लाइफ अकेले जियो। असल में ये रोग का असली दोस्त नहीं था, बल्कि ये मिस्टेक थी जो रूप बदल कर रोग को इस स्कूल से निकल जाने के लिए कहती है। रोग अपने दोस्त के बातों से बुरा मानकर इस स्कूल से भाग जाती है और ये खबर प्रोफेसर एक्स और बाकी के म्यूटेंट्स को मिलती है। प्रोफेसर एक्स यहाँ अपने बड़ी मशीन के बारे में बोलते हैं, जिसका नाम है सेरिब्रो, जो ऐसे ही म्यूटेंट्स की लोकेशन ढूंढने में हेल्प करती है। प्रोफेसर एक्स उसे यूज करके रोग का पता लगाते हैं और देखते हैं कि वो मेट्रो स्टेशन गई है। ये मशीन सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ सकती है, पर प्रोफेसर एक्स इसे मैग्नेटो की लोकेशन नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मैग्नेटो ने ही इस मशीन को बनाने में हेल्प की थी, जिसकी वजह से अभी वो इस मशीन की ट्रैकिंग से बच जाता है। पर अभी रोग का पता चलने पर लोगन उसे तुरंत ढूंढने निकलता है और उसे रोग एक मेट्रो के अंदर बैठी हुई मिलती है। लोगन उसे कन्विंस करने का ट्राई करता है कि प्रोफेसर एक्स और बाकी के लोग उसकी हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें स्कूल वापस आना चाहिए। रोग की तलाश में साइक्लोप्स और स्टॉर्म भी मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर अब अटैक होता है बुरे म्यूटेंट्स का, यानी कि मैग्नेटो के टीम के मेंबर्स लोगों का। सबसे पहले हमें मिस्टिक दिखती है, जो अपने फेस चेंजिंग एबिलिटी से प्रोफेसर एक्स के सेरिब्रो मशीन के रूम में जाके उस मशीन के अंदर गड़बड़ कर देती है। दूसरी ओर शक्तिशाली सेब्रेटूथ और टॉड मेट्रो स्टेशन पर अटैक करते हैं, जहाँ पर पहले से ही साइक्लोप्स और स्टॉर्म मौजूद है। स्टॉर्म अपनी पावर का यूज करके सेब्रेटूथ पर बिजली गिराती है, पर वही दूसरी तरफ यानी कि मेट्रो में मैग्नेटो आता है और अपनी पावर से पूरे मेट्रो को रोक देता है। मैग्नेटो सबसे पहले लोगन को हवा में उड़ाकर उसके मेटल क्लॉस को स्ट्रेच करने लगता है। इसी बीच लोगन पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, पर मैग्नेटो उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसका असली काम लोगन से नहीं बल्कि रोग से था। इसलिए शुरुआत से ही जब भी लोगन पर बुरे म्यूटेंट्स का अटैक हुआ है तब उसके साथ रोग थी, क्योंकि वो लोग रोग को ही लेने आए थे, ना कि लोगन को। इसलिए मिस्टेक ने भी रूप बदल कर रोग को ही स्कूल से बाहर जाने के लिए बोला, ताकि स्कूल के बाहर ही मैग्नेटो रोग को आसानी से पकड़ सके। मैग्नेटो इसके बाद रोग को बेहोश करके मेट्रो स्टेशन से निकलने वाला होता है, पर तभी उसके सामने बहुत सारी पुलिस खड़ी होती है। मैग्नेटो पावर का यूज करके उनके गन्स उनकी ही तरफ पॉइंट करता है और उन्हें रास्ते से हटने के लिए बोलता है। उन्हीं सब के बीच में प्रोफेसर एक्स भी होते हैं, जो मैग्नेटो के साथीदारों के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें ही मैग्नेटो को मारने के लिए बोलते हैं। मैग्नेटो को पता था कि ये सब माइंड कंट्रोल प्रोफेसर एक्स कहीं दूर बैठकर कर रहे हैं, इसलिए वो सारे पुलिस वालों को मारने की धमकी देता है कि अगर प्रोफेसर एक्स ने अपनी पावर्स का यूज करना बंद नहीं किया तो वो सबको मार देगा। प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो को छोड़ देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मैग्नेटो के पास एक स्पेशल हेलमेट है, इसके वजह से प्रोफेसर एक्स उसका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद मैग्नेटो आसानी से हेलीकॉप्टर से रोग को लेके चले जाता है।
वहीं म्यूटेंट स्कूल में लोगन गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके होते हुए भी मैग्नीटो रोक को लेके चला गया। लोगन उसे ढूंढने जाने ही वाला था पर तभी दरवाजे पर उसे सेनेटर कैली दिखते हैं जो अपना म्यूटेशन का इलाज करने आए थे। सेनेटर कैली प्रोफेसर एक्स के साथ बाकी सबको बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे एक बड़ी मशीन का यूज करके मैग्नीटो ने उसे म्यूटेंट बना दिया। प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग में घुसकर सब कुछ देखते हैं और उन्हें मैग्नीटो का सारा प्लान वही समझ आ जाता है। मैग्नीटो अपने बड़ी मशीन के हेल्प से दुनिया के हर एक इंसान को म्यूटेंट बनाना चाहता था और इसी के वजह से उसे रोग की जरूरत थी। मैग्नीटो ने जब पहली बार इस मशीन को यूज किया था तब उसे खुद की एनर्जी इस मशीन को देनी पड़ी थी जिसके वजह से वो मरने के हालत तक पहुंच गया था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी सारी पावर्स कुछ देर के लिए रोग को देकर इस मशीन को ऑन करने बोलूं ताकि मशीन एक्टिवेट होकर पूरे न्यूयॉर्क के शहर के लोगों को म्यूटेंट बना देगी और मैग्नीटो खुद भी जिंदा रहेगा। इन शॉर्ट मैग्नीटो रोग की बलि देना चाहता था अपने इस बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए। सेनेटर केली वही दूसरी तरफ म्यूटेशन की वजह से पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके थे और उनकी बॉडी से पानी लीक होने लगता है। इसी अचानक हुए म्यूटेशन को उनकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती जिसके वजह से सेनेटर की बॉडी फूलने लगती है और पानी में कन्वर्ट होकर फूट जाती है। प्रोफेसर एक्स वही दूसरी तरफ रोग की लोकेशन ढूंढने अपने सेरिब्रो मशीन के पास जाते हैं पर वहाँ पर भी मिस्टेक ने खराबी कर दी थी जिसके वजह से प्रोफेसर एक्स को शॉक लगता है और वो कोमा में चले जाते हैं। डॉक्टर जीन उस मशीन की खराबी को नोटिस करती है और उसे ठीक करके खुद उस मशीन को यूज़ करके रोग की लोकेशन का पता लगाती है। सारी टीम को पता चलता है कि मैग्नीटो रोग को लेके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास गया है इसलिए सारे लोग अपना सूट पहनकर फाइनल बैटल के लिए रेडी होते हैं। उन सबको पता चलता है कि मैग्नीटो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के टॉप पर जाके इस मशीन को ऑन करेगा और उसका टारगेट है न्यूयॉर्क में जमा हुए बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिन्हें वो सबसे पहले म्यूटेंट बनाना चाहता था। मैग्नीटो ने रोग को भी पकड़ कर रखा था और वो रोग से कहता है कि तुम्हारी हेल्प से हम सारी दुनिया को एक जैसा बनाने वाले हैं। वही स्टैचू के नीचे सारे हीरोज तैयार थे और स्टैचू के अंदर एंटर करते ही उनको एक म्यूजियम दिखता है। लोगन को सेंस होता है कि यहाँ पर कोई दूसरा म्यूटेंट मौजूद है इसलिए सारे लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टेक लोगन का ही रूप लेके उस पर अटैक करती है और दोनों में एक बड़ी फाइट शुरू होती है। वही दूसरी तरफ टॉड अपनी जीप से बाकी के एक्समैन से फाइट करने लगता है। स्टॉर्म अपने वेदर कंट्रोल पावर का यूज करके टॉड के जीप को बिजली का झटका देती है और उसे हरा देती है। वही दूसरी तरफ लोगन मिस्टेक से फाइट कर रहा था पर तभी लोगन अपने क्लॉस के हेल्प से मिस्टेक को जान से मार देता है। सारे लोग अब स्टैचू के टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं पर तभी वहां पर मैग्नीटो आके सबको कैद कर देता है। लोगन को ऐसा ट्रैप करता है जिससे अगर उसके क्लॉस बाहर आए तो लोगन के ही सीने में पहले घुसेंगे। सबको ट्रैप करके मैग्नीटो अपना प्लान शुरू करने वहां से चले जाता है पर लोगन के पास हीलिंग एबिलिटी होने की वजह से वो अपने क्लॉस को निकाल कर अपने ट्रैप से छूट जाता है। वहाँ पर सेबरटूथ उनकी निगरानी पर होता है पर लोगन उससे फाइट करता है और साइक्लॉप्स अपने लेजर बीम के मदद से उसे वहाँ से उड़ाकर पानी में फेंक देता है। ऊपर मैग्नीटो रोज को छू कर अपनी पावर्स उसे ट्रांसफ़र करता है और तभी उसकी मशीन भी शुरू हो जाती है। स्टॉर्म अपनी पावर से लोगन को स्टैचू के ऊपर लेके जाती है पर तब तक मशीन से निकली एनर्जी न्यूयॉर्क शहर तक पहुंचने वाली थी। इसी एनर्जी पल्सेस के अंदर लोगन और मैग्नीटो फाइट करते हैं जिसमें मैग्नीटो लोगन पर हावी हो रहा था। न्यूयॉर्क में जितने लोग थे वो सारे इस एनर्जी को देख पा रहे थे पर उन तक पहुंचने से पहले ही साइक्लोप्स अपने लेजर बीम से इस मशीन को उड़ा देता है। मशीन के ब्लास्ट होने की वजह से सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और न्यूयॉर्क शहर तक नहीं पहुँच पाती। मैग्नीटो इस ब्लास्ट में बेहोश हो जाता है और मशीन को यूज करने की वजह से रोग कमज़ोर हो गई थी। लोगन अपने ग्लव्स को निकालकर रोग को टच करता है जिससे रोग हील होने लगती है और लोगन की बॉडी पर कट्स आने लगते हैं जहाँ पर हमें पहली बार लोगन का ब्लड दिखता है। फाइट खत्म होने के बाद प्रोफेसर एक्स कोमा से बाहर आते हैं जहाँ वो लोगन को भी अपने साइड में देखते हैं और लोगन की पावर्स की वजह से वो जल्दी से हील हो जाता है और फिट भी हो जाता है। प्रोफेसर एक्स इसके बाद लोगन को एक लोकेशन के बारे में बोलते हैं जो कि एक मिलिट्री बेस है और वहीं पर लोगन को अपने पास्ट के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लोगन किसी को भी कुछ ना बोल के वहाँ से जाने वाला होता है पर तभी वहाँ पर रोग आके उसे रुकने के लिए कहती है।
लोगन उसे प्रॉमिस करता है कि वो वापस ज़रूर आएगा और एज अ प्रॉमिस लोगन उसे अपना लॉकेट देता है। वही दूसरी तरफ स्टॉर्म और साइक्लोप्स टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे, जहाँ पर उन्हें सेनेटर कैली दिखता है जो मीडिया के सामने म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट को बंद करता है। साइक्लोप और स्टॉर्म समझ जाते हैं कि ये असली सेनेटर नहीं है क्योंकि वो तो मर गया है, मतलब ये मिस्टीक है जो अभी तक जिंदा है। मूवी के अंत में हमें मैग्नेटो दिखता है जिसके साथ प्रोफेसर एक्स चेस खेल रहे थे। मैग्नेटो के पावर्स को देखते हुए उसे प्लास्टिक के हार्ड जेल में कैद किया जाता है क्योंकि वो मेटल्स को कंट्रोल कर सकता है मगर प्लास्टिक को नहीं। मैग्नेटो कहता है कि वो अपनी लड़ाई आखिरी तक लड़ेगा और ये प्लास्टिक की जेल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि तुम जब भी कुछ करोगे तो हमेशा तुम मुझे अपने सामने पाओगे। यहीं पर ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।